स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हर शोबे के अंदर मेरी बच्चियों को जो यहाँ बैठी हैं, जो 52% है इस पाकिस्तान की आबादी का, इनको भी यकसा मौके मिलेंगे। मुझे मुबारकबाद पेश करनी है, शुक्रिया अदा करना है नेशनल कराटे एसोसिएशन का कि उन्होंने आज जापान के ताऊ आज इस कैंप में आपने उनका मुकाबला करना है, आम नहीं है। और वजीर आजम इमरान खान का जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट के हवाले से, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, आपकी बॉक्सिंग, जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े, उसमें हमारा 5 एथलीट्स का क्वालिफाई होना पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है उसको इंडिकेट करता है। और दुनिया में आपका जो रोल है वो ज्यादा से ज्यादा दी जाए। और स्कूल की लेवल पे, क्योंकि ये आप कहिए, और हर स्पोर्ट कंपल्सरी के तौर पे पढ़ाया जाए, और सूबाई हुकूमतों को हम इस हवाले से एक जो कल प्राइम मिनिस्टर ने का पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए क्लास के तमाम सूबाई हुकूमतें सिलेबस के अंदर स्पोर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाए, और स्कूल के अंदर अर्ली एज के अंदर एजुकेशन और फिटनेस उसको निचली सतह जोड़ के एक प्रॉपर, ये बच्चे जो है फिजिकल फिटनेस में भी उतने ही टेंडेंसी के साथ जुड़े, जो इनके स्कूल का एनुअल रिजल्ट अनाउंस हो, वहां भी अनाउंस हो उसके रिजल्ट्स में शोबे में फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन और स्पोर्ट में क्या अचीवमेंट्स की हैं, इससे पता है। और टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ हमने उस टैलेंट को निखारना है, उसके अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करना है। पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान की क्यादत में आपको वो, और आपका पाकिस्तान का जो असल शनाख्त है स्पोर्ट्समैन बेहतर अंदाज से मार्केट कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट पाकिस्तान के
झंडे को लहराते हैं तो यकीन माने कि ये वो अमल है कि जो खरबों पैसा खर्च करके भी वो पजीराई कौम में नहीं हासिल कर सकती जो एक स्पोर्ट्समैन को जब नेशनल अचीवमेंट के रंग में डाल देता है तो वो एक कौम का आजाज बन जाता है, कौम का फख्र बन जाता है। हमें आपके जरिए पाकिस्तान झंडे को सरबुलंद करना है और मुझे पूरा ये हम बैठे हैं कह सकती क्योंकि ये मुस्तकबिल के जो सियासतदान हैं इनकी ऐसी ट्रेनिंग करे भी जितना हूं और हर जगह ज़हन है जो इनके दिमाग के अंदर सलाहितें छुपी हुई और जिनको हम सिमत में दुरुस्त आगे और सही सिमत में बढ़ाना है। वजीर आजम इमरान खान जो अमन के साथ पाकिस्तान की विजन के साथ जुड़ा है और हमारे नौजवान का एक बदकिस्मती दहशतगर्द और खुदकुश हमला के तौर पे आने और इंशाअल्लाह और आप वज़ीर आज़म इमरान खान के उस नजरिए को उस अमन के साथ जुड़ी ख्वाहिश और ट्रंप की सरजमीन मुंह पे पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से काविशों का और खिदमात का इस कौम की जंग लड़ी, कौम ने बाहमी ताकत से बाहमी यकजहती से उस माइंड सेट को शिकस्त और अमन की शमा को रोशन किया। ये तमाम कौम को क्रेडिट जाता है, पूरी कौम इंशाल्लाह इसी तरह सही होके हाथों में हाथ अपने असल दुनिया में मुतारफ करने के लिए कोशिश नजर आएगी। मैं एक दफा फिर आप सब कैंप में आए हैं और तवक्को करती हूँ कि ये सेहतमंद सरगर्मियों से जो पाकिस्तान के हकीकी वारस हैं जो आप लोग हैं, आप लोग भूत होंगे, स्थान मजबूत और ताकतवर होगा क्योंकि आप और पाकिस्तान लाजम मलजूम है। स्टैंड अगेन टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशली अंबान फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन रियली इनोवेटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कैंप। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। मामले खुसूसी तरह गावान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब कर रही थी, उनका कहना था कि मानी मजबूती और तंदुरुस्ती है, नौजवानों को ज़हन मजबूत होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान इसलिए खेलों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इस दिन में खातिर किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में कराटे कैंप की वर्कशॉप थी, डॉक्टर फिरदौस आशी का
दौरान मार्शल आर्ट्स जिस्मानी मजबूती और तंदुरुस्ती के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने के फरोग के हवाले से जो से ताजिकिस्तान के सफीर ए लाहौर में मुलाकात दिलचस्पी के उमूर फरोग और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाने पर तबादला